वही हो गया है, वही कर ले पूजा आ जाएगा। हो सकता है कुछ दिन नहीं क्या हुए, कार फोन में ला रहे हैं, काम ही नहीं मिला, कार भी नहीं पहुंचे, आपसे थोड़ी देर बाद ठंडी बजने शुरू हो गई, फोन लग गया कि फोन का सेम है उसके अंदर, बच्चे बोल रहे हैं पर उन फोन वो चुप नहीं रहे, और अद्धा घंटा हो गया तीन मोबाइल फोन तो जेड़े जेड़े कार बैठे थे परिवार के बंदे सारे फोन कर रहे हैं पर बच्चा फोन नहीं चुप रहा। मैंने कहा एक मैसेज पा दो कि भाई तू सानू फोन कर, चिंता लग गई कि जेड़ा बच्चा 8 बजे का घर आ जाता है 8:30 बजे फोन नहीं चुप रहा, तो मन नेगेटिव गल कभी एक्सीडेंट का जो हो गया किसी अस्पताल तो नहीं चला गया, जो गया सी बाइक पे बारिश भी हो रही थी, मन कई कहानियों से बह रहा कि ये सोच रहा है कि मैं हापुड़ पहुंच के शहर वापस दिल्ली ना जाना पड़ेगा। 3 बंदियों ने फोन किया दिल्ली, कोई कहना है कि सामने ना थोड़ी बाइक है ना बच्चा है, पौने 9 हो गए हापुड़ भी पहुंच गए। मैं इन्होंने क्या है कि मेरे मन में आई कि पहले अंदर मथा टेक लिया कि मालिक के चरण से पहले सर पे अरदास, बाकी जो है सो है, जो हो चुके हैं तो गुरु महाराज कृपा करें पर अपने मालिक के चरण से अरदास करें। दास 9:45 बजे पलक साहब के कमरे में लगभग बैठा, यह माता जी साहिबजादियां बैठिया सन, खड़े खड़े अरदास की 2-2.5 मिनट ते मथा टेकिया, हली सिर ऊपर कीता नहीं सी कि जेब दे विच मोबाइल की घंटी बज गई। बाद आए ते अगो मिसेज कहने लगी कि बच्चे ने फोन चुक लेता, मैं कहा जेड़ा फोन 1.25 घंटे तो नहीं चुक रहा सी उस पलन साहब ने अगे आज तक अगे जिस तरह ही अरदास की एकदम उस बच्चे ने फोन चुके, मैसेज देता कि पिता जी मैं ठीक हाँ तुम्हारी कावर की कोई नहीं। तान तान सतगुरु भगवान दास सतगुरु हर वेले अपने गुरसिखों के कारण सवार। नॉर्मली तो अगले दिन तक भी फोन नहीं कर पर जो इस तरह की गल आ गई तो मन कीर्तन तो हट गया दूसरे पास चलिया गया, पर जे सतगुरु के दरबार से जो असि पहुंचे अरदास हुई फिर सतगुरु ने फिर की वो वचन आप पूरा कर दे कि सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सो नाम हर शोभा ने चिंता लाए हमारी वो एक कम कर रहा है। एक पलक सहर की बख्शिश, एक खजाना किसरे बख्शा, किस अगे अरदास हुई अकाल तखत अगे किसकी बख्शिश था माता राम बोल ऐसी प्रीत करो 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 मन में ऐसी प्रीत करो मन में आठ पहर
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਰਤੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੂੰ ਤੱਲਾ ਵਜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਛਾਣੇ ਵਜਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤਾ ਵਾਜੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਰ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਗ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਰਜਿਆਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਸਤਤਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲਗਿਆ Thank you.